हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इसी परीक्षा चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल एंड आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। और जैसा कि आप जानते हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं नेशनल पार्क। सो नेशनल पार्क से रिलेटेड हमें बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, चाहे वो रिलेवेंट टू रिवर्स से रिलेटेड हो, चाहे वो नेशनल पार्क किस स्टेट में हो। ठीक है, तो ऐसे कुछ हमको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। सो हम उसी बेसिस पे आज नेशनल पार्क को याद करने की कोशिश करेंगे कि कौन से नेशनल पार्क किस स्टेट में है। सो उसके लिए मैंने कुछ ट्रिक्स बनाई है जिसको आप देख के याद कर सकते हैं, और उन्हीं ट्रिक के बेसिस पे आप अपने एग्जाम्स में क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि आपको ये पता है कि नेशनल पार्क से एक दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चंस तो फंसते ही फंसते हैं हर साल का, हर एक एग्ज़ाम का यही पैटर्न है। सो चाहे वो रेलवे का एग्ज़ाम हो, चाहे वो स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम हो, चाहे वो सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम हो, यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, उस हर एक सेट ऑफ पेपर में क्वेश्चन या दो क्वेश्चन आपको ऐसे ज़रूर मिलेंगे। सो आप ये बेसिक चीज़ इनको एक बार आप याद कर लेंगे ना, तो वो आपके लिए बेहतर होगा कि आपको इन चीज़ों को बार बार देखने सुनने पड़ेगी। एंड इफ़ यू होल्ड दिस टू और थ्री मार्क्स इन योर हैंड्स राइट आफ्टर द आफ्टर लर्निंग दिस स्किल्स एंड ट्रिक्स, सो आई होप आई बेट यू दैट यू विल क्रैक दिस ईजली राइट। सो चलिए हम आज शुरू करते हैं। पहला नेशनल पार्क देखते हैं कर्नाटका की तरफ से। कर्नाटका स्टेट्स में कौन कौन से नेशनल पार्क्स हैं? सो वहाँ पांच नेशनल पार्क हैं। अंशी नेशनल पार्क है, कुद्रेमुख नेशनल पार्क है, नगरहोल नेशनल पार्क है, बंदीपुर नेशनल पार्क है, बानरघाटा नेशनल पार्क है। सो उसके लिए हमने क्या ट्रिक्स याद लिखी है कि ब्रूस बैनर की बंदी को अंशकुंदन नगर से कर्नाटका ले गया। ठीक है, सो ब्रूस बैनर आप जानते हैं, हल्क की बात कर रहा हूँ, एवेंजर्स में भी दिखाया आपने ब्रूस बैनर को, सो उसकी बात कर रहा हूँ। तो आपको एक इजी तरीके से कुछ याद करवाने की कोशिश करूँगा कि ब्रूस बैनर की बंदी को अंशकुंदन नगर से कर्नाटका ले गया। सो कर्नाटका का टर्म इसलिए रेफरेंस में लिया है ताकि आपको याद रखें कि कर्नाटका के नेशनल पार्क से। सो ब्रूस बैनर की बंदी मतलब बंदीपुर नेशनल पार्क, बैनर मतलब बैनरघाट नेशनल पार्क। सो फोर्थ फिफ्थ आपको याद हो जाएंगे, ब्रूस बैनर की बंदी को अंशकुंदन सो अंशी नेशनल पार्क, एंड कुंदन से कुद्रेमुख नेशनल पार्क से, ठीक है, नगर से कर्नाटका ले गया, कुंदन नगर से कर्नाटका ले गया। सो ब्रूस बैनर की बंदी को अंशकुंदन नगर से कर्नाटका ले गया। सो आपको ये पांच नेशनल पार्क याद होगा इतनी ईजली, इस एक सेंटेंस में आपको बहुत ही अच्छे तरीके से नेशनल पार्क याद हो गए होंगे। ठीक है, सो ब्रूस बैनर की बंदी को अंशकुंदन नगर से कर्नाटका ले गया। ठीक है, सो नेक्स्ट नेशनल पार्क देखते हैं, केरला नेशनल पार्क। सो केरला नेशनल पार्क में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? अनाईमुडी नेशनल पार्क है, इराविकुलम नेशनल पार्क है, माथिकेता नेशनल पार्क है, पम्बाडुम छोला नेशनल पार्क है, पेरियार नेशनल पार्क है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क है। सो अन्ना ने पम्बा और ईआर रवि का प्यार मिठाई खाकर साइलेंटली एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, सो अनाईमुडी शोलापुर नेशनल पार्क, इराविकुलम नेशनल पार्क, माथिकेतन नेशनल पार्क, पम्बाडुम नेशोला नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क। सो अन्ना ने पम्बा और ईआर रवि का प्यार मिठाई खाकर साइलेंटली एक्सेप्ट कर लिया। सो दैट्स अ ट्रिक फॉर दिस राइट। सो आपको याद रखना है कि अनाईमुडी शोलापुर नेशनल पार्क, सो उसमें अनाईमुडी पीक इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, पम्बा रिवर ट्रिब्यूटरी ऑफ अमरावती एंड ट्रिब्यूटरी ऑफ कावेरी। ठीक है, ऐसे याद रखना है। से कुछ और नेशनल पार्क के बारे में बात जान लेते हैं कि इराविकुलम नेशनल पार्क में क्या है। सो चिन्नार एंड पम्बा रिवर फ्लोज टू दैट, ठीक, एंड वेस्टर्न घाट्स में। ठीक है, एंड माथिकेता सेम डिटेल एज अनाईमुडी एंड सेम एज फॉरेस्ट क्लस्टर्स। ओके, सो पम्बाडुम शोलापुर नेशनल पार्क क्या है? पलानी हिल्स में, पलानी हिल्स राइट। सो पम्बाडुम शोलापुर नेशनल पार्क पलानी हिल्स में। सो पम्बाडुम शोला नेशनल पार्क पलानी हिल्स में। ठीक, सो पेरियार नेशनल पार्क के बारे में जानते हैं। सो पम्बा एंड पेरियार रिवर ओरिजिनेट इन दिस पार्क। ओके, सो कार्डमम एंड पंडालम हिल्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स में पेरियार नेशनल पार्क है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क के बारे में जानते हैं, ये नीलगिरी हिल्स में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। एंड कुंटीपूजा रिवर साइलेंट वैली नेशनल पार्क से, एक्चुअली जनरली ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी रिवर फ्लो करती है। सो आपको याद रखना है कि कुंटीपूजा नेशनल पार्क, सो जो कि ट्रिब्यूटरी ऑफ भारत पूजा की। ओके,
से वहाँ पे और कौन सी ट्राइब मिलती है? मुदुगार एंड ट्रू एरूला ट्राइब्स आपको देखने को मिलती है मोस्टली. ओके सो चलिए नेक्स्ट नेचर पार्क देते हैं, नेक्स्ट स्टेट का नेचर पार्क देते हैं. सो लद्दाख. सो लद्दाख में बेसिकली एक कोई ट्रिक नहीं बनाई है क्योंकि वहाँ पे सिर्फ एक ही नेचर पार्क है. सो आपको याद रखना है कि हेमिस नेचर पार्क जो है लद्दाख में है. सो ओनली इन इंडिया टू रिप्रेजेंट द नॉर्थ ऑफ हिमालयस. ओके दिस नेचर पार्क इज़ द ओनली इन इंडिया टू रिप्रेजेंट द नॉर्थ ऑफ हिमालयस. रेन शेडो रीजन है, ड्राई सल्प सब अल्पाइन फॉरेस्ट में मिलता है, लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड एरिया, पेल आर्कटिक रैम, इंडस रिवर फ्लो थ्रू द फ्रॉम द नॉर्थ, फेमस फॉर स्नो लेपर्ड्स के लिए फेमस है ये हेमिस नेशनल पार्क. ओके चलिए नेक्स्ट स्टेट का नेशनल पार्क देखते हैं, एंड देयर इट इज़ जम्मू एंड कश्मीर. सो जम्मू एंड कश्मीर में कौन कौन से हैं? सिटी फॉरेस्ट सलीम अली नेशनल पार्क है. ओके एंड द चिंगम नेशनल पार्क है, चित्तवर नेशनल पार्क है, एंड काजीनाग नेशनल पार्क है. सो इसी ट्रिक क्या है? सो जम्मू के सलीम अली ने डांस कागज़ की नाक पे बैठ कर कर वॉर के टाइम किया. ओके सो सलीम अली ने डांस कागज़ के नाक पर बैठ कर वॉर के टाइम किया. ओके कागज़ के नाग या कागज़ की नाव पे भी आप लिख सकते हो. सो काजी नाग ऐसे याद आपको रखना है. काजी नाग इज बेसिकली नेशनल पार्क. ओके सो काजी नाग नेशनल पार्क. सो जम्मू के सलीम अली ने जम्मू के सलीम अली सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क. ओके सो जम्मू के सलीम अली ने कागज़ की नाव पे बैठ कर जम्मू के सलीम अली ने कागज़ की नाव पे बैठ कर वॉर के टाइम डांस किया. ओके सो जम्मू के सलीम अली ने वॉर कागज़ की नाव पे बैठकर वॉर के टाइम डांस किया. सो ऐसा आपको याद रखना है. सलीम अली नेशनल पार्क, कागज़, काजीनाग, डचिंगम नेशनल पार्क एंड शितवर. शितवर मतलब वॉर के टाइम मतलब मीन्स शितवर. ओके सो ऐसे याद रखना है आपको. सलीम अली नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है? फेमस फॉर कश्मीरी स्टैग हंगुल. हंगुल मस्क डियर है वहाँ, उसके लिए फेमस है. ओके जिसको हिमालय ब्लैक डियर के लिए फेमस है. याद रखिएगा कि अगर आपसे कुछ कोई पूछे कि हंगुल हंगुल मस्क डियर कौन से स्टेट या फिर कौन से नेशनल पार्क में मिलता है, सो आपको ये याद रखना है कि सलीम अली नेशनल पार्क में मिलता है. सो दचिंगम नेशनल पार्क के बारे में हम जान लेते हैं. वहाँ पे भी कश्मीरी स्टैग देखने को मिलता है. दगवान रिवर फ्लो करती है यहाँ से. ओके काजीनाग नेशनल पार्क के बारे में जान लेते हैं. इस्टेब्लिश आफ्टर द कारगिल वॉर टू कंजर्व द मारखोर वाइल्ड गोट. सो मारखोर वाइल्ड गोट को कंजर्व करने के लिए काजीनाग नेशनल पार्क बनाया गया आफ्टर द कारगिल वॉर. ठीक है सिचुएटेड एट उरी नियर द इंटरनेशनल बॉर्डर विद पाकिस्तान. सो अगर आपके से कोई भी पूछे कि उरी, एक उरी अभी मूवी भी आई थी, तो मूवी से रिलेवेंट ये था कि उरी के में कौन सा नेशनल पार्क है, तो आपको याद रखना है कि काजीनाग नेशनल पार्क इज़ इन उरी एंड वहाँ पे मारखोर वाइल्ड गोट को कंजर्व करने के लिए आफ्टर द कारगिल को और काजीनाग नेशनल पार्क को इस्टेब्लिश किया गया. ओके शितवर नेशनल पार्क सो लाइज इन द ग्रेट हिमालयस इन द चेनाब रिवर बेसिन एंड हाई एल्टीट्यूड कॉनिफेरस फॉरेस्ट. ओके चलिए नेक्स्ट स्टेट देखते हैं. सो नेक्स्ट स्टेट इज़ मणिपुर. सो मणिपुर में दो ही नेशनल पार्क हैं, किबुल नामजो नेशनल पार्क एंड शुरुई नेशनल पार्क. ये जितने भी मैंने नेशनल पार्क हैं मैंने गवर्नमेंट रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की साइट से देख कर ही लिखे हैं. ओके चलिए हम देख लेते हैं. किबुल नामजो नेशनल पार्क एंड शिरोही नेशनल पार्क. सो वर्ल्ड ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क है इस किबुल नामजो नेशनल पार्क. आपसे कोई पूछे कि किबुल नामजो नेशनल पार्क द वर्ल्ड ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इज इन विच स्टेट, सो आपको इसका आंसर याद रखना है कि मणिपुर में. सो इसकी एक ट्रिक जो बनाई है, मणिपुर का बहादुर सिपाही काबुल वाला निकला. ओके सो मणिपुर का जो बहादुर सिपाही सिपाही से सिरोही नेशनल पार्क काबुल वाला निकला. सो काबुल से केबुल नामजो नेशनल पार्क. ओके सो फेमस फॉर डांसिंग डियर्स एंड शंघाई के लिए फेमस है. लोकटक लेक रामसर साइट है यहाँ पे इस नेशनल पार्क में आपको मिलेगी. लोकटक लेक फेमस रामसर साइट है आपको इस नेशनल पार्क में मिलेगी. ग्रासलैंड वेटलैंड इकोसिस्टम. सो फुमड़ी इज अ फ्लोटिंग डिकम्पोज प्लांट्स मटेरियल फ्लोट ओवर द वाटर. ओके वर्ल्ड ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क ये आपको इम्पॉर्टेंटली याद रखना है. लोक तकलीफ याद रखना है. ओके एंड शुरुई. शुरुई इज फेमस फॉर शुरुई लिली ग्रोज नेचुरली डेंस ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड टेम्परेट एट द हिल टॉप. सो एक बार आप फिर से ट्रिक को देख लेते हैं कि मणिपुर का बहादुर सिपाही शुरुई काबुल वाला निकला. ओके सो मणिपुर का बहादुर सिपाही काबुल वाला निकला, सिपाही से शुरुई एंड काबुल वाला से केबुल नामजो नेशनल पार्क. सो मणिपुर. ओके और ये सो आप इसको
इस जैसे याद रख सकते हैं कि काबुल वाला इसलिए निकला क्योंकि वो पैसों के लिए काम कर रहा होगा। सो मनी मनी से मणिपुर याद रख लीजिएगा, ठीक है। सो मणिपुर का बहादुर सिपाही काबुल वाला निकला, सिपाही शुरू हुई एंड काबुल से किएबुल। ओके चलिए नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट देखते हैं। नेक्स्ट स्टेट के लिए मेघालय। सो मेघालय में दो नेशनल पार्क हैं, एक नोकरेक नेशनल पार्क है, एल बालफाक्रम नेशनल पार्क है, ठीक है। सो ये वेस्ट कैरो हिल्स में है, बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है। होलो गिबोन्स, रेड पांडा, मार्बल कैट, पिग टेल्ड मकाओ एंड सेवरल अदर एंडेंजर्ड एंड एंडेमिक स्पीशीज शामिल थे, ठीक है। सो मेघालय में नोकरेक नेशनल पार्क में ये देखने को मिलता है। नेक्स्ट नेशनल पार्क में हम देखेंगे कि बालफाक्रम नेशनल पार्क सो साउथ गैरो हिल्स में है, ठीक है। बाउंड्री विद बांग्लादेश, यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट में और हेरिटेज साइट में। हैबिटेट फॉर बार्किंग डियर, एशियन गोल्ड कैट, गोल्डन कैट्स, बंगाल टाइगर, मार्बल कैट एंड वाइल्ड वाटर बफेलो, रेड पांडा एंड इंडियन एलिफेंट के लिए। ओके सो दो नेशनल पार्क है। सो आपको ऐसे इसकी जो ट्रिक है, मेघा का बालक डोर नॉक नॉक करके भाग जाता है, मेघा का बालक डोर नॉक नॉक करके भाग जाता है। सो आपको ऐसे याद रखना है। सो मेघा से मेघालय, मेघा का बालक, बालक से बालफाक्रम नेशनल पार्क, डोर नॉक नॉक नोकरेक, नॉक नॉक से नोकरेक याद रखना है। सो मेघा का बालक डोर नॉक नॉक करके भाग जाता है। सो मेघालय, बालफाक्रम नेशनल पार्क एंड नोकरेक नेशनल पार्क। ओके चलिए नेक्स्ट स्टेट देखते हैं, महाराष्ट्र। सो महाराष्ट्र इंपॉर्टेंट है, छह नेशनल पार्क देखने को मिलते हैं हमको यहाँ पे, ठीक है। छह नेशनल पार्क में कौन कौन सा है, गुगामल नेशनल पार्क है, संजय गांधी नेशनल पार्क है, चंडोली नेशनल पार्क है एंड अदावन स्पैच नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क एंड तडोबा नेशनल पार्क, ठीक है। सो वेराइटीज़ ऑफ नेशनल पार्क हमको यहाँ देखने को मिल रहे हैं एंड नंबर ऑफ नेशनल पार्क देखने को मिल रहे हैं बेसिकली। एंड चलिए इसकी जो ट्रिक है देख लेते हैं कि संजय चंदन और गुगामल महाराष्ट्र के नौ गांव में बैठ के तंबोला खेल रहे थे। तंबोला इज ए गेम, राइट। सो इस चीज़ को याद रखिएगा कि संजय चंदन एंड गुगामल महाराष्ट्र के नवे गांव में बैठ कर तंबोला खेल रहे थे। सो गुगामल नेशनल पार्क पार्ट ऑफ मेलघाट, ठीक है, ड्राई डिसीजस फॉरेस्ट एंड मेलघाट टाइगर रिजर्व का पार्ट है गुगामल नेशनल पार्क, ठीक है। एंड गडगा एंड डोलावर रिवर ट्रिब्यूटरी ऑफ ताप्ती है ना, यहाँ से फ्लो करती है। टाइगर गौर एंड प्रोमिनेंट स्पीशीज, संजय गांधी नेशनल पार्क, बोरीवली नेशनल पार्क, ठीक, इन द सिटी ऑफ मुंबई। कन्हेरी केव्स, इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट केव्स। सो आपको अगर ये पूछे कि कन्हेरी केव्स इज इन विच नेशनल पार्क, ओके सो ये संजय गांधी बोरीवली नेशनल पार्क में आपको देखने को मिलेगी। सो आपको ये याद रखना है कि ठीक है कन्हेरी केव्स बुद्ध इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट साइट्स है, तो बोरीवली नेशनल पार्क में, संजय गांधी नेशनल पार्क में आपको देखने को मिलेगी। सो कन्हेरी केव्स आपको संजय गांधी बोरीवली नेशनल पार्क में देखने को मिलेंगी, ठीक है। सो चंदोली नेशनल पार्क से यादरी रेंज ऑफ वेस्टर्न घाट्स में, यहाँ से वरना रिवर निकल रही, ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा रिवर, ठीक है। सो नेक्स्ट नेशनल पार्क इज पैंच नेशनल पार्क, अ पोर्शन ऑफ द मध्य प्रदेश नेशनल पार्क लाइज इन द महाराष्ट्र रीजन। सो पैंच नेशनल पार्क वो यहाँ पे भी थोड़ा सा टच करता है, इसलिए यहाँ पे इंक्लूडेड है। सो कंटिग्यूस विद पैंच नेशनल पार्क ऑफ एमपी, ठीक है। ज्योग्राफी, फ्लोरा एंड फौना सिमिलर टू द पैंच नेशनल पार्क ऑफ मध्य प्रदेश। चलिए नेक्स्ट नेशनल पार्क देखते हैं, नवेगांव नेशनल पार्क। सो ग्रीन लॉन्ग ऑफ विदर्भा रीजन, इंपॉर्टेंट बर्ड सेंचुरी एंड ट्रॉपिकल ड्राई डिजीज फॉरेस्ट, नवेगांव टैंक और लेक यहाँ पे देखने को मिलती है। सो नेक्स्ट नेशनल पार्क देखते हैं, तडोबा नेशनल पार्क। द वर्ड तडोबा इज डराइव फ्रॉम द नेम ऑफ गॉड तडोबा ऑफ और तारो, प्रेज बाय लोकल गोंड ट्राइब, ठीक है। सो लोकल गोंड ट्राइब के जो भगवान है तडोबा के नाम पे रखा गया है तडोबा नेशनल पार्क। वेन गंगा बेसिन, स्मॉल रिवर स्ट्रीम्स लाइक तडोबा रिवर फ्लोज थ्रू दिस नेशनल पार्क, ओके ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए एक बार ट्रिक को याद फिर से कर लेते हैं कि संजय चंदन और गुगामल महाराष्ट्र के नवे गाँव में बैठ कर तंबोला खेल रहे हैं, ठीक है। तंबोला से तदोबा रख याद रखिएगा, और संजय गांधी नेशनल पार्क, संजय चंदोली नेशनल पार्क, चंदन से चंदोली नेशनल पार्क एंड गुगामल नेशनल पार्क से गुगामल नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क एंड तंबोला नेशनल पार्क, ओके दीज आर दी। एंड वन मोर इज पैंच नेशनल पार्क, जो ये विच स्मॉल पोर्शन ऑफ द पैंच नेशनल पार्क ऑफ मध्य प्रदेश लाइज इन महाराष्ट्र, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट स्टेट देखते हैं, सॉरी। सो मिजोरम, मिजोरम स्टेट के बारे में हम जानते हैं। सो मिजोरम इज बेसिकली वहाँ पे दो ही हैं, एक मुरलिन नेशनल पार्क है एंड एक फांगफुई ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क है। सो आपको
जरूर देखने को मिलेगा, है ना, एक ना क्वेश्चंस इन नेशनल पार्क से, किसी भी रेलेवेंट विद रिस्पेक्ट टू एनी स्टेट और विद रिस्पेक्ट टू एनी साइट्स, राइट। सो फोकस कीजिएगा, इस इन ट्रिक्स को अच्छे से याद कर लीजिएगा, एंड एंड की प्रैक्टिसिंग योर क्वेश्चंस, है ना, ताकि आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर सके एग्जाम्स में, राइट। सो चलिए देखते हैं मिजोरम के बारे में। सो मिजोरम के मुरली माउंटेन में फुंगसुक वांगड़ू फुटबॉल खेलता है, ठीक है। सो मिजोरम के मुरली माउंटेन में फुंगसुक वांगड़ू फुटबॉल खेलता है। सो मुरली से मुरलेन नेशनल पार्क एंड फुंगसुक वांगड़ू से फांगफुई ब्लू ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क, ओके। ठीक है, दैट सो देयर इज एन इम्पॉर्टेंट सेइंग दैट द मोर यू प्रैक्टिस द लेस यू ब्लीड इन वॉर, ओके। सो इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही अच्छे से आप स्कोर बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, कर पाएंगे एग्जाम्स में, राइट। सो इन ट्रिक्स को बहुत ही अच्छे तरीके से देखिएगा, एंड आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लग रहा हो। सो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, ठीक है, सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ओके। सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल इजी परीक्षा, ओके। चलिए मिजोरम को एक बार फिर से याद कर लेते हैं कि मिजोरम के मुरली माउंटेन में फुंगसुक वांगड़ू फुटबॉल खेलता है। सो मिजोरम के मुरली माउंटेन में फुंगसुक वांगड़ू फुटबॉल खेलता है, दैट्स एन इजी पार्ट, राइट, सेंटेंस टू राइट, सो रिमेंबर। सो सो मुरली से मुरलिन एंड फुंगसुक वांगड़ू से फांगफुई ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क, ओके। चलिए नेक्स्ट स्टेट देखते हैं। सो हेयर इट इज़ मध्य प्रदेश। सो मध्य प्रदेश द मैक्सिमम नंबर ऑफ नेशनल पार्क लाइज इन द मध्य प्रदेश। सो सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क किस स्टेट में मिलते हैं, तो वो है मध्य प्रदेश में। सो मध्य प्रदेश में कोनू नेशनल पार्क है, माधव नेशनल पार्क है, वन विहार नेशनल पार्क है, पन्ना नेशनल पार्क है, कान्हा नेशनल पार्क है, एंड 11 नेशनल पार्क है। सो मैं सबका इसमें एक वीडियो में तो नहीं डिस्क्राइब कर पाऊँगा, बट एक स्लाइड में तो बहुत लिख नहीं पा रहा था। सो आपको बेसिकली याद करवा दूंगा कि संजय और कान्हा, ठीक है, जैसे कि कान्हा नेशनल पार्क है एंड बांधवगढ़ नेशनल पार्क है वहाँ पे और देखने को मिलते हैं, ठीक है, देखने को मिलता है, एंड है ना। सो चलिए ट्रिक को देख लेते हैं कि संजय और कान्हा अपने बंधु माधव से मिलने के लिए 5 पैसे लेकर पान खाते हुए सैटरडे को वन से मंडल विहार गए, ठीक है। सो संजय गांधी नेशनल पार्क हो गया। सो संजय और कान्हा अपने बंधु माधव से मिलने के लिए 5 पैसे लेकर पान खाते हुए सैटरडे को वन से मंडल विहार गए, ओके। सो संजय से संजय नेशनल पार्क, कान्हा से कान्हा नेशनल पार्क, बंधु से बांधवगढ़ नेशनल पार्क, माधव से माधव नेशनल पार्क, 5 से पैंच नेशनल पार्क, एंड 5 से पन्ना नेशनल पार्क, एंड सैटरडे से आपको याद रखना है कि सतपुरा नेशनल पार्क है वहाँ पे, एंड वन विहार नेशनल पार्क है, ठीक है। सो 11 नेशनल पार्क देखने को मिलते हैं आपको मध्य प्रदेश में। सो कान्हा किसलिए नेशनल पार्क है, माधव नेशनल पार्क है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, पैंच नेशनल पार्क है, वन विहार नेशनल पार्क है, संजय गांधी नेशनल पार्क है, पन्ना नेशनल पार्क है, फॉसिल नेशनल पार्क है, सतपुरा नेशनल पार्क है, ओमकारेश्वर नेशनल पार्क है, एंड बाघ फॉसिल नेशनल पार्क है, एंड कोनो नेशनल पार्क है। सो आपको 11 नेशनल पार्क देखने को मिलते हैं, ओके। सो इन नेशनल पार्क को बहुत ही अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ नेशनल पार्क लाइज इन दी मध्य प्रदेश स्टेट्स, ओके। सो पहला जो प्रोजेक्ट टाइगर में नेशनल पार्क आया था वो कान्हा नेशनल पार्क आया था, है ना, ओके। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ नेशनल पार्क लाइज इन दिस स्टेट ओनली। चलिए नेक्स्ट स्टेट के नेशनल पार्क देखते हैं। सो नागालैंड, सो दिस वॉज द लास्ट वन इन दिस वीडियो। सो नागालैंड में आपको बेसिकली याद रखना है कि नागालैंड के पास बहुत बड़ा बड़ा टैंक है। सो ट्रिक यही है कि नागालैंड के पास एक बहुत बड़ा टैंक है। सो टैंक्स याद रखना है कि इंताकी नेशनल पार्क लाइज इन दिस नागालैंड स्टेट, ओके। सो ज़ीलांग ग्रोंग ट्राइब फाउंड इन दिस स्टेट, ओके। सो हैबिटेट फॉर द रेयर होलो किबोन, गोल्डन लैंगूर, हॉर्नबिल, एशियन पाम सिविट, ब्लैक स्ट्रॉक टाइगर,
वाइट ब्रेस्टेड किंगफिशर, मॉनिटर लिजार्ड, पायथन एंड स्लॉथ बियर। ओके, सो नागालैंड में एक ही नेशनल पार्क है, इंटाकी नेशनल पार्क है। सो जस्ट ऐसे याद रखिएगा कि नागालैंड में एक ही नेशनल पार्क है, इंटाकी नेशनल पार्क है। और ऐसे भी आप याद रख सकते हैं कि नागालैंड के पास एक बहुत बड़ा टैंक है, सो टैंक से याद रखिएगा कि इंटाकी नेशनल पार्क है, ठीक है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज़ आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और मैक्सिमम लोगों को शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इन ट्रिक्स को अच्छे से याद कर सके। ओके, सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू फॉर योर एग्जाम्स एंड कीप रॉकिंग, कीप हसलिंग एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू टीम इजी परीक्षा।